नमस्कार, वेलकम बैक माय किचन। मैं आज बनाने जा रही हूँ कुंदरी फ्राई, या फिर आप इसे कुंदरी की भुजिया भी बोल सकते हैं। ये कुंदरी की ड्राई सब्जी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कुंदरी को अच्छे से धो करके साफ़ करके लंबे में कट कर लिया है। यदि आप चाहें तो इसे छोटे छोटे गोल गोल पीसेस में भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो तेल में हम 1/3 साबुत जीरा ऐड कर देंगे। जीरा को हमें हल्का सा तड़कने देना है। जब जीरा हमारा तड़क जाए तो हम इसमें 2-3 हरी मिर्च स्लिट की हुई और 2-3 लहसुन के टुकड़े बारीक कटे हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। मिर्च और लहसुन को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक बार चला दें। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप्ड करके लिया है। प्याज हमें ज़्यादा नहीं डालना है और प्याज को ज़्यादा भूनना भी नहीं है, बस हल्का सा सौते कर ले। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भून लें, बस हो गया। तो प्याज हमारा हल्का भून चुका है। तो अब हम कढ़ाई में सारे कुंदरी को ऐड कर लेंगे। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो एक करछी ले ले और इसे अच्छे से मिक्स करें। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप ड्राई सब्जी बनाएं तो गैस का फ्लेम पहले मीडियम रखें और इसे बीच बीच में 1-2 मिनट के गैपिंग में बीच बीच में चलाते रहे। नहीं तो क्या होता है, सब्जी हमारी नीचे से पक जाती है, लाल हो जाती है और ऊपर से सब्जियाँ कच्ची रह जाती है। तो जब भी ड्राई सब्जी बनाए इसे बीच बीच में हिलाते रहें। ढक्कन लगा देंगे हम और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम अपनी कुंदरी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से हमें वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। कुंदरी को हिलाते रहें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें और वापस से ढक्कन लगा दें। तो अब हमारी कुंदरी जो है हल्की हल्की गलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। तो नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से क्या होगा, कुंदरी जो है जल्दी से अपना मॉइस्चर लूज करेगी और कुंदरी जल्दी पक जाएगी। मसाले हम अभी नहीं डालेंगे, जब कुंदरी हमारी लगभग पक जाएगी तब हम मसाले लास्ट में ऐड करेंगे। तो ढक्कन से ढककर कवर कर दें। हम ढक्कन हटाकर देखते हैं, तो ये देखिए कुंदरी की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है और कुंदरी हमारी पक भी चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो मसालों को हम कुंदरी में मिला देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जिस हिसाब से स्पाइसेस खाते हैं उस हिसाब से आप मसाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। जब भी आप कोई भी ड्राई सब्जी बनाए तो सब्जियाँ ऑलमोस्ट पकने के बाद ही आप मसाले ऐड करें। नहीं तो क्या होता है, ये हम शुरुआत में ही मसाले हम डाल देंगे तो मसाले हमारे जल जाते हैं और सब्जी हमारी कच्ची रह जाती है, तो टेस्ट बेकार हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी सूखी सब्जी ट्राई करो तो आप मसाले सबसे लास्ट में डालें। तो इसे हम ढक देंगे और 1-2 बार और भून कर चलाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आया है और कुंदरी भी हमारी पक चुकी है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, आप इस तरीके की कुंदरी खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस इसका बाइट आता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी धनिया पत्ती यूज़ किया है। धनिया पत्ती टोटली ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिया की पत्ती यूज़ की है। तो इसे हम कुंदरी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम मसाले को 1-2 बार भूनेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा सोनापन आ जाए। तो इसे 1-2 बार हमें भून लेना है 1-2 मिनट के लिए और फिर हमारी कुंदरी की भुजिया बनकर रेडी हो जाएगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी भुजिया बनकर रेडी है। तो अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो मैंने ये कुंदरी की भुजिया बनाने में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए हैं, जो हम नॉर्मली ग्रेवी वाली सब्ज़ी में हम मसाले डालते हैं, मैंने सेम वही मसाले ऐड किए हैं। यदि आप चाहें तो इसमें गरम मसाला या फिर ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये विदाउट गरम मसाला और ब्लैक पेपर का भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुंदरी को प्लेट में निकाल दिया है। तो आप इसे चावल दाल या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसकी एक एक बाइट में बहुत ही ज़्यादा जूसी टेस्ट आता है। तो आप इस तरीके की कुंदरी की भुजिया एक बार ज़रूर बनाएं। आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे फॉलो करना ना भूलें।